नमस्कार दोस्तों, आज की शोड में हम बात करेंगे कि पंजाब टीम का आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन कैसा रहा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें, आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को कोची में हुआ, जहां पर पंजाब टीम ने काफ़ी बड़े दाव लगाए और बड़े खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल किया। तो चलिए आप सभी लोग को बता दें कि पंजाब टीम ने आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में से अब तक कौन से खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। जैसा कि अगर हम सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें तो वो है सैम करन, और मैंने आप सभी लोग को सैम करन के बारे में बता दिया था वीडियो में भी, पिछली वीडियो में, और इसके अलावा जो पोस्ट किया था वहां पर भी आप सभी लोगों को जानकारी दे दी थी कि 18.5 करोड़ में पंजाब की टीम ने सैम करन को खरीदा है और अपनी टीम में शामिल किया है, और ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब टीम के भी सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं आईपीएल इतिहास के। इसके अलावा अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो है सिकंदर रजा, जिनको पंजाब की टीम ने मात्र 50 लाख के बेस प्राइस में खरीद क्या लिया, इनको पा लिया, क्योंकि पंजाब टीम के ओनर्स का कहना था कि हमें लगा था इनके ऊपर बड़े दाव लगेंगे, लेकिन ये 50 लाख के बेस प्राइस मिल गए, तो ये काफ़ी अच्छी बात रही हमारे लिए। और इसके अलावा हरप्रीत भाटिया को पंजाब टीम ने 40 लाख के बेस प्राइस में खरीदा, विद्वात कविरप्पा को 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदा, मोहित राठी 20 लाख में मिल गए, इसके अलावा शिवम सिंह को भी 20 लाख के बेस प्राइस में पंजाब की टीम ने खरीदा, और इन सभी खिलाड़ियों को पंजाब टीम ने खरीदा। हालांकि इसमें से हम देखें तो सबसे महंगे खिलाड़ी पंजाब टीम के लिए रहे सैम करन, और शायद 32 करोड़ रुपये पंजाब की टीम इन्हीं खिलाड़ियों के लिए रखी थी, क्योंकि तीन खिलाड़ियों का हाइप ज़्यादा था, सैम करन, बेन स्टोक और कैमरन ग्रीन, और तीन में से किसी एक को आना था पंजाब टीम में, वो शायद थे सैम करन, क्योंकि यार हम पहले से ही चर्चा कर रहे थे और सैम करन को पंजाब की टीम ने खरीद लिया, इनका डेब्यू हुआ था पंजाब टीम से और अब आईपीएल 2023 में पंजाब टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पंजाब टीम के पर्स की बात करें तो इनके पर्स में टोटल अभी 12 करोड़ 20 लाख रुपये बचे हैं, और शायद ये अभी भी अच्छा खासा ऑक्शन कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर हम इनके ओवरसीज खिलाड़ियों की स्लॉट देखें तो एक बची, और टोटल स्लॉट देखें तो 3 स्लॉट बाकी, यानी कि किसी भी टीम के पास 25 मैक्सिमम खिलाड़ी होने चाहिए, पंजाब टीम के पास 22 हो गए हैं, तो ये 3 खिलाड़ियों को और खरीद सकती हैं आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में से। बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ये थी पंजाब टीम के खिलाड़ियों की जानकारी। हालांकि अगली वीडियो में आप सभी लोग को पूरी स्क्वाड के बारे में बता देंगे कि कैसी लग रही है पंजाब टीम की आईपीएल 2023 की स्क्वाड। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।